नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये नर्मदा संगम पर जो ये पुल बनाया गया है वो इस बात का परिचायक है कि यहाँ पर इधर से दूसरी तरफ जाने के लिए, कुछ पर्यटन के लिए आकर्षक दिखने के लिए ये सब किया गया है। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, ये लोहे का जो पुल बनाया गया है इसका उपयोग काफ़ी लोग कर रहे हैं और ये दोनों तरफ का दृश्य हम अब आपको एक साथ दिखाते हैं। ये यहाँ से लेकर जो है इधर तक काम राज्य सरकार ने करने की कोशिश की है वो ये बताता है कि एक बड़ा मालवा का पर्यटन स्थल ये होगा। जिस तरह से बाकी पर्यटन के स्थलों को सजाया गया है, संवारा गया है, उसी तरह इस जगह को भी बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह घाट कितने अच्छे बनाए गए हैं और ये घाट पर काफ़ी लोगों के बैठने का इंतज़ाम भी किया गया है। जिस तरीके से ये चल रहा है, ये पूरा रास्ता आगे तक ले जाता है और यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। सावधानी के तौर पर ये बोर्ड भी लगाया गया है कि आप कैमरे की निगरानी में हैं, इसलिए आपकी जो भी हरकतें हैं वो सब निगाहों में आएगी। ये नर्मदा और गंभीर लिंक परियोजना का पूरा काम किस तरह से होगा और ये इसका एक पूरा नक्शा बनाकर राज्य सरकार ने यहाँ पर लगाया है। इसमें लिखा है कि नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट, एग्जिट स्ट्रक्चर बताया गया है, माउंट किधर है, पार्किंग किधर है, बॉटनिकल गार्डन यहाँ पर बनाया गया है, ब्रिजेस है, पौंड है, झरना है, एक मंदिर भी बताया गया है, फाउंटेन है और ये जो नदी बह रही है गंभीर उसके बारे में भी आपको बताया। वहाँ आपको इधर ले चलते हैं कि ये किस तरीके से बगीचे को बनाया गया है। एक छोटा फाउंटेन भी यहाँ पर आपको ये दिख रहा है और हरी घास को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। ये फाउंटेन आप देखिए, एक छोटा सा प्रतीकात्मक ये फाउंटेन भी है और ये फाउंटेन इस बात का होता है कि ये नर्मदा गंभीर परियोजना है। अब हम आपको इस तरफ दिखाते हैं कि कचरे के लिए डस्टबिन का उपयोग करें, लोग गंदगी ना करें, इसके लिए कितना अच्छा डस्टबिन कवर करके बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का ये सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है। मैं आपको एक जगह और ले चलता हूँ, यहाँ पर बैठकर लोग सुकून से अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं, बैठ सकते हैं और ये कितना अच्छा सुंदर जो है स्थाई टेबल कुर्सी को बनाया गया है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो गार्डन डेवलप हो रहा है उसके लिए लिखा गया है कि कृपया फूल पत्ती ना तोड़ें। इसके अलावा हम आपको ये बताते हैं कि नेचुरल नर्सरी के अलावा एक प्राकृतिक गुलाब के फूल का फाउंटेन भी यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। ये बात सही है कि अब इस जगह को विकसित करने के साथ ही इसको रखरखाव करना एक बड़ी चुनौती है। ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी और कुछ बैठक स्थल बनना बाकी हैं और ये नदी छल छल कल कल कर कर बहती जा रही है। ये नर्मदा और गंभीर लिंक परियोजना का यह स्पॉट पर्यटन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ये टेबल कुर्सी भी स्थायी तौर पर बनाए गए हैं, आप देखिए कितना अच्छा है, चारों तरफ से दृश्य दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। अब यहाँ पर दिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार भी इस स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। योजना को आकार देते समय पर्यावरण के बचत के हिसाब से बीच में लगे दोनों पौधे आपको दिख रहे हैं कि वो पौधे जो है सुरक्षित रखे गए हैं। यहाँ पर जो निर्माण कार्य किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है कि यहाँ पर कम से कम पेड़ों को काटा जाए। ये सामने भी आप एक पेड़ खजूर का देख रहे हैं, उधर आप पीपल का एक वृक्ष देख रहे हैं, बाकी भी यहाँ पर हरियाली करने की कोशिश की जा रही है। आप देखते रहिए घमासान.com।